स्टूडेंट्स वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में एप्लीकेशन फॉर्म जारी हैं, काफ़ी कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, बैचलर डिग्री के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी। अब यहाँ पर मेडिकल के ही मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए है, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए है, MD के लिए है, PG डिप्लोमा के लिए भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, स्टाइपेंड क्या है। ठीक है, ये गाइड है, मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सबसे पहले अगर आप नए आए हैं इस वीडियो में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और इस वीडियो को पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नीचे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, सबसे नंबर वन पॉइंट जो लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल स्लैश एक्सटर्नल। जब आप फॉर्म भरते हैं AMU का तो इंटरनल और एक्सटर्नल का ऑप्शन आता है। तो इंटरनल का मतलब वो होता है जो वहाँ से AMU से पढ़ रहा है और जिसने 3 साल से कम हो गई हो, अगर स्कूल भी छोड़ दिया है वहाँ से तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो इंटरनल ही होता है, उसका फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को। फिर सेकंड है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए इन्होंने कहा गया है कि आप जो है MCC या DHS साइट जिसको बोलते हैं और AMU के साइट जो है अपडेट रहें उस पर। और ये स्टूडेंट्स जो MD या MS या MDS करना चाहते हैं या कोई PG डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उनके पास अलॉटमेंट लेटर या कोई भी कैटेगरी या कोई रैंक लेटर हो जो इशू किया गया है MCC या DGHS के द्वारा। ठीक है, और मार्कशीट होनी चाहिए हाई स्कूल की आपके पास, MBBS की आपके पास होनी चाहिए, BDS के लिए आपके पास होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए आपके पास जो MCI के द्वारा जो है प्रेस्क्राइब किया गया हो। NOC होना चाहिए जिसको आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं हम। ठीक है, अब यही है। थर्ड है आपका जो है एडमिशन इन अदर डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जितना जो MD और MS जो है कंप्लीट कर लिया है वो एलिजिबल नहीं होंगे PG डिप्लोमा के लिए सेम कोर्स में। ठीक है, और कंडीशंस क्या हो सकती हैं कोर्स को छोड़ने के लिए, तो अगर आप जो है छोड़ते हैं पहले तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो आपकी जो स्टाइपेंड मिलेगा वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। स्टे क्या है आपका, ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपका MD MS के लिए 36 महीने होता है, और अगर जो डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए जो है 24 महीने होता है। स्टाइपेंड जो है आपका जो एक्सीड ज़्यादा नहीं होगा 36 महीने या 24 महीने, जितना आपका कोर्स है उतना ही है। ठीक है, फिर ये 7 है एब्सेंस एंड नेम रिमूवल, आप इसको पढ़ सकते हैं एडमिशन के लिए। अब जो नेम आती मेन चीज़ है वो है आपकी ये MD MS PG डिप्लोमा की डिटेल्स। कोर्स डिटेल आपके लिए दी गई है 3 साल के, जो 36 महीने मैंने आपको बताया है, और अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रखी है तो 2 साल है। फिर ये स्पेशलाइजेशन आप जो है इसमें देख सकते हैं, इसमें जूम कर देता हूँ थोड़ा, इसमें ये स्पेशलाइजेशन लिखी हुई है, ये आप अगर जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है MS की कोर्सेज, MD की कोर्सेज, ये दोनों लिखे हुए हैं, PG डिप्लोमा के कोर्सेज भी। फिर अगर आपको जो है प्लास्टिक सर्जरी के लिए देखना है तो ये 3 साल का कोर्स है, उसका कोड है MCHM। ठीक है, और नीचे MDS के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से डिटेल्स हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा साइट की, AMU की साइट की भी, और जो है इस PDF की भी। तो आप जो है इसको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें। थैंक यू।